एक बैग में कुछ ग्रीन और कुछ येलो कलर की बॉल है, हमने रेंडमली हाथ डालकर एक बॉल निकाल ली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल का कलर ग्रीन होगा? या हमने दोबारा से रेंडमली हाथ डालकर एक बॉल निकाल ली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल का कलर येलो होगा? जी हाँ दोस्तों, कितने भी थैले हो, कितना ही बड़ा थैला हो, कितनी भी बॉल हो, सब निकाल लेना, आपके आंसर सही आने वाले हैं। कितने भी सिक्के उछालो, कितने भी कार्ड निकालो, बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ऐसी ट्रिक आपको सिखाऊंगा कि सारे आंसर आपके सही आएंगे बिल्कुल। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ छोटी छोटी बातें वो आपको मेरे साथ सीखनी पड़ेंगी, वो सीखिए। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ नए टॉपिक्स या नए कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो वो ज़्यादा ध्यान दें। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक आई लिख दिया, इंग्लिश का लेटर है आई लिख दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने इसी आई को उल्टा कर दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको उल्टा आई पढ़ेंगे, है ना। लेकिन मैथ में इसे कुछ और कहा जाता है, मैथ की भाषा में इसे फैक्टोरियल बोलते हैं, इस उल्टे आई को फैक्टोरियल कहा जाता है। अगर मैं मान लेते हैं इसके आगे कोई नंबर लिख दूं, मैंने लिख दिया यहां पर 3, क्या लिख दिया? 3, तो इसको हम पढ़ेंगे 3 फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे? 3 फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, कैसे इसको खोल के लिखते हैं, मैं वो सिखाता हूं। बहुत आसान है, बचपन में मल्टीप्लाई की थी आपने, वही करनी है। आइए कर देते हैं। तो जो भी नंबर फैक्टोरियल से पहले लिखा होगा, आप उस नंबर से स्टार्ट करते हुए एक एक नंबर कम करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 तक लेते हुए आ जाएंगे। तो 3 से पहले 2 आया, तो 3 × 2 × 1, 3 × 2 = 6 = 6, तो यहां पर इस तरीके से 3 फैक्टोरियल खुल के बन गया 6। ऐसे आप खोलते हैं फैक्टोरियल। बहुत आसान है सर, सीख गए हम तो। अच्छा जल्दी से मुझे 4 फैक्टोरियल निकाल के दिखाओ, 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करके क्या आएगा? क्या बात कर रहे हो सर, बहुत आसान है। ये देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 4 × 3 × 2 × 1, हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 = 12, 2 × 2 = 24 से कम 24 = 24, तो 4 फैक्टोरियल खुल गया हमारा 24। ऐसे हम खोलते हैं फैक्टोरियल, आ गया करना। चलो थोड़ा सा इसको हार्ड बनाते हैं। अब मैं मान लेता हूं ये फैक्टोरियल जो है ना, दोनों डिवाइड में लिखे हुए, डिवाइड की फॉर्म में, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और अब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सर जी आपने तो सिखाया है मुझे, हम क्या करेंगे, हम 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे और हम बहुत बढ़िया तरीके से अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम ये करेंगे और टाइम वेस्ट करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पर 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना, जी हाँ ऐसे मत करना। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, देखिए अब यहाँ से आपका तरीका शॉर्ट ट्रिक बनने का तैयार हो चुका है। देखिए क्या कर सकते हैं आप, अब ये चीज़ें आपको माइंड में करनी है। आप क्या कर सकते थे, आपने ये देखा भाई ऊपर 4 फैक्टोरियल है और 4 के बाद जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, मतलब ये तो 3 फैक्टोरियल जैसा कुछ बन रहा है, मतलब 4 के बाद मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ और नीचे भी एक 3 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर मैं इसको पूरा क्यों खोलूँ? मैंने देखा 4 के बाद 3 फैक्टोरियल आएगा, नीचे भी 3 है, ऊपर वाले 3 फैक्टोरियल से नीचे वाला कट जाएगा, तो मेरा डायरेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। मुझे ये भी नहीं करना, मैं इसको देख के आंसर बता दूंगा। ये आपको करना है माइंड में टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने अभी सीखा फैक्टोरियल को खोलना, और अगर डिवाइडेड फैक्टोरियल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको सिखा दिया। एक बात हमने सीख ली है, आइए अब कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। इतनी बॉल्स हैं, इतनी निकाली गई, इतने कार्ड से इतने निकाले गए, तो ये प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा है? यहाँ पर हम चांसेस देखते हैं, हम यहाँ पर अनुमान लगाते हैं कि इतनी बॉलों में से इतनी निकाली गई तो कितनी काली निकलेंगी, इतने कार्ड में से 2 निकाले गए तो कौन से कार्ड निकलेंगे, इतने सिक्के उछाले गए तो ये हमने निकाला गया तो कितने हेड या कितने टेल आएंगे। हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। हम यहाँ पर चांसेस देख रहे हैं कि कितने चांस हो सकते हैं उसको निकालने के। आइए इससे पहले की कहानी जानते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास जो है 4 बोले, ठीक है, वी हैव 4 बॉल्स, ये मैंने 4 बॉल्स बना दी यहाँ पर बहुत बुरी सी। अब अगर हमसे कहा जाए कि इन 4 बॉलों में से ना हमें 2-2 बॉलों का ग्रुप बनाना है कि हम 2-2 करके कितनी बॉल्स निकाल सकते हैं, मतलब 2-2 के कितने हम जोड़े अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं, या मैं कहूँ कि कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो आइए बनाते हैं। देखिए पहला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि मैं इन दोनों बॉलों को ले लूँ, ये मेरा बन गया एक तरीका। दूसरा मेरा मेथड ये हो सकता है
है कि मैं इन दोनों बॉलों को अगर अलग से निकाल लूँ, ये मेरे दो तरीके हो गए बॉल्स को निकालने के। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं पहली बॉल चूज़ करूँ और लास्ट वाली चूज़ कर लूँ, ये मेरे तीन तरीके हो गए। ऐसे ही एक तरीका मेरा ये हो सकता है कि मैं बीच वाली दोनों बॉलों को उठा लूँ, ये मेरे कितने मेथड हो गए, चार मेथड हो गए। अब भी किसी और तरीके से बॉल्स निकल सकती हैं अलग तरीके से? हाँ जी निकल सकती हैं। कैसे? मैं क्या करूँ, मैं पहली और तीसरी बॉल निकाल लूँ तो एक तरीके से मेरी बॉल निकल सकती हैं, और मैं क्या करूँ, मैं दूसरी और चौथी निकाल लूँ तो मेरी छेद अलग अलग तरीकों से मैं दो दो करके चार बॉलों में से जोड़े बना सकता हूँ। क्या समझ में आई आपके बात? बिल्कुल समझ में आई होगी कि अगर मुझे चार बॉलों में से दो दो का कॉम्बिनेशन बनाना हो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। 11th क्लास का एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहाँ से मैं थोड़ा सा आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये वही है, मैंने क्या किया, मैंने चार बॉलों में से दो दो के भाई कितने तरीकों से मैं दो दो के जोड़े बना सकता हूँ, मैं छः अलग अलग तरीकों से इन चार बॉलों में से दो दो बॉलें निकाल सकता हूँ। तो ये तो मैंने प्रैक्टिकली करके कर लिया, लेकिन अगर मुझे इसी को मैथ की लैंग्वेज में लिखना हो, मैं कैसे लिखूंगा? इसको कुछ इस प्रकार लिखा जाता है कि 4 लिखा जाएगा ऊपर, 4C2। अब इसको आप याद रखने के लिए ऐसे पढ़ सकते हो कि भाई 4 बॉलों में से हमने कॉम्बिनेशन बनाया दो बॉलों का, तो कितना आंसर आया हमारा यहाँ पर, 6 आंसर आ गया जो हमने प्रैक्टिकली सॉल्व किया है। लेकिन हम मान लेते हैं कि बॉल बहुत ज़्यादा है, 10 बॉलें हैं, बताइए आप कैसे करेंगे? क्या आप 10 बॉलों में से दो दो का निकालेंगे? बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप करते रह जाएंगे, ये नहीं करना आपको। ये मैंने आपको समझाया है, इसका फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला बताऊंगा फिर इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर फॉर्मूला इसका क्या बनता है, फॉर्मूला हमसे ये कह रहा है कि अगर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करना हो तो फॉर्मूला हमसे ये कहता है कि आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि ऊपर वाला जो नंबर होगा उसका फैक्टोरियल आप ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल आप नीचे लिखेंगे, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई में नीचे वाले के ही इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, मतलब इसमें से ये घटा के तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 फैक्टोरियल फिर यहाँ पर और आएगा। फिर मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1 × 2 × 1 से 2 × 1 कट गया, 2 से ये कट गया, 2 × 3 = 6, तो जब जाकर मेरा ये 6 आंसर आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग आपके कितनी भी बॉल्स हो, आप ऊपर कितने भी हो जाए नीचे कितने भी हो जाए, आप इस तरह से सॉल्व करके वो लेते हुए आ जाएंगे। ये इसका फॉर्मूला था। अब इसको भी हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, सर मुझे तो वो बताओ, आइए जानते हैं। देखिए आपको क्या करना है, अब आपके सामने शॉर्ट ट्रिक आ रही है, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, वरना बहुत बड़े नुकसान में आप रह जाएंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, शॉर्ट ट्रिक ये हो सकती है कि कभी भी ऐसा सवाल आए कि कुछ बॉलें दी गई हैं आपको, दो बॉलें निकालनी है, कुछ कार्ड्स दिए गए आपको, दो कार्ड्स निकालने, मतलब दो की गिनती में, दो की संख्या में कुछ भी आप निकाल रहे हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक सुन लो। उसकी शॉर्ट ट्रिक आपकी ये होगी कि ऊपर कोई भी नंबर हो, ऊपर कोई भी नंबर हो, मैं उसको नंबर को एन लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ मैं, एन, कोई भी नंबर, अगर आपको उसमें से कॉम्बिनेशन बनाना हो दो का, तो इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक पे आ रहा हूँ, बहुत आसान है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है (n(n-1)/2। सर जी फॉर्मूला मत बताओ, फॉर्मूले से डर लगता है बस, ठीक है नहीं बता रहा, इसको आसान कर देता हूँ। देखिए इसको आसान करने का तरीका ये है, आप क्या करेंगे, आप जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसका आधा कर देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल भी साथ में लिखता हूँ आपको ताकि अच्छे समझ में आए। एग्जाम्पल अपना वही वाला लेते हैं 4C2 का, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये ट्रिक है, ये इसके ऊपर एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तरीका क्या है, ऊपर वाला जो नंबर हो उसका तो आप आधा लिखो, ठीक है, 4 का आधा 2 था, उसकी मल्टीप्लाई उससे एक कम से कर दो, 4 से एक कम क्या होता है 3 होता है, तो 2 × 3 = 6, इस तरीके से आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ना आप ये करो ना आप इसको काउंट करने बैठो, आप क्या करो, जब भी दो की संख्या में चीज़ें निकलवाई जा रही हो, आप सिंपल एज इट क्या करोगे, ऊपर वाले का आधा उसमें से उसी का एक कम माइनस कर देना, तो आधा करा हमने, 4 का आधा 2 होता है और 4 में से एक कम 3 होता है, तो 2 × 3 = 6 आंसर आ गया। पहली शॉर्ट ट्रिक आपकी बन चुकी है। दूसरी शॉर्ट ट्रिक की मैं बात करता हूँ आपकी, मान लेते हैं कि अब ना हमसे कहा गया कि 4 बॉलों में से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है एक बॉल का, कि 4 बॉल दे रखी हो, अगर एक बॉल निकालेंगे एक बार में तो कितने तरीकों से निकल सकती है, देखो बहुत आसान है, 4 बॉलें हैं, एक बार ये निकल गई, 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 मतलब एक एक करके सिर्फ 4 ही तरीकों से 4 बॉलें निकल सकती हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। तो मैं यहां से नोट करूं, अगर मैं नोट क्या करूं, ट्रिक क्या बनाऊं, अगर मैं यहां से ट्रिक बनाने की कोशिश करूं तो ट्रिक मेरी ये बनेगी
ट्रिक ये बनेगी कि अगर ऊपर कोई भी नंबर हो और मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है एक का, मतलब एक चीज निकाली है मैंने उसमें से, तो उसका जो आंसर आएगा ना वो नंबर खुद होगा। ठीक है, ये ट्रिक बन गई आपकी। तीसरी ट्रिक की मैं बात करता हूँ। अगर हम बात करें, मान लेते हैं यहाँ पर मैं बस आपको समझाऊं कि चार बोले थी, चारों में से कॉम्बिनेशन बनाना है चार बोलों का, कि चार बोलों में से चार बोलों का कॉम्बिनेशन बना के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो चार बोल हैं, चारों की चारों एक ही बार में निकल जाएंगी। क्या कोई और तरीका होगा निकालने का? नहीं होगा, सारी एक बार में आ गई। तो इसका मतलब अगर मुझे टोटल कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो सिर्फ एक ही तरीके से निकल सकती हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ तीसरी ट्रिक मेरी बन के तैयार हो रही है। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिए, देखिए तीसरी ट्रिक क्या बन गई मेरी, कि अगर जो मेरा n हो उतने ही कॉम्बिनेशन मुझे बनाने हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, तीन ट्रिक तैयार हो चुकी है। अब जल्दी से आगे आप क्वेश्चन कर लेना। तो मेरे प्यारों, ये अभी आपको मैंने सिर्फ ट्रिक दी है, क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। तो अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, अभी आपको अधूरा ज्ञान है, शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी, लेकिन इनका प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के अंदर आप कैसे यूज करेंगे वो अभी तो आप सीखने आए हैं ना, तो वो भी तो आप सीखेंगे ना। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस के कैसे हम इन ट्रिक का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी के, आइए वो जानते हैं। तो अपने अधूरे ज्ञान को आप पूरा करते हैं और क्वेश्चंस को करना सीखते हैं, और ये सीखने के बाद आपसे कोई सा भी क्वेश्चन बनने लगेगा प्रोबेबिलिटी का। देखिए बहुत ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल लिया है कि एक थैले में 7 सफेद और 9 काली गेंदे हैं, 2 गेंदे यद्यप पता नहीं क्या लिखा है, हिंदी वालों आप पढ़ लेना, ये एट रैंडम एक के बाद एक करके निकाली जाती है। मतलब एक थैले में वो ये बोले थी, हमने आंखें बंद करी, पहले एक बोल निकाली, फिर आंखें बंद करके दूसरी बोल निकाल ली, एक के बाद एक करके 2 बोले हमने निकाल ली है, 2 गेंद ली है, तो उनमें से एक सफेद और दूसरी काली होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, कि जो हमने आंखें बंद करके एक के बाद एक निकाली है तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक काली और एक सफेद होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये बताना है। तो सबसे पहले हम निकालें टोटल कॉम्बिनेशन, मतलब कितने तरीकों से हम टोटल 2 बोले निकाल सकते हैं। तो यहां पर बॉल्स हैं कितनी, सबसे पहले ये देखो भाई, 7 ये हैं 9 ये हैं, मतलब अगर मैं इसको लिख कर करूं, वैसे आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको बता रहा हूं, 7 है हमारे पास व्हाइट और 9 है हमारे पास ब्लैक। टोटल की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल हमारे पास है 16 बॉल्स। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना हो कितनी निकालनी है, हमें निकालनी है कि अगर 16 बॉलों में से हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़े 2-2 बॉलों का, क्यों? क्योंकि हमने 2 निकाली है टोटल, एक एक करके हमने 2 बॉल्स निकाली है। तो कितने तरीकों से निकाल सकता हूं, तो यहां पर अब मैं इसको पूरा खोलूंगा 16 को, कि 16 × 15 × 13 × 4 इस तरह से नहीं करना। आपको आपको ट्रिक सिखा तो दी है मैंने, इसका आधा लिखो, 16 का आधा होता है 8, ठीक है, इसका हाफ करेंगे, और फिर इसका एक कम, इससे एक कम होता है हमारा 15, तो 15 × 8 = 120, ये हमारे टोटल कॉम्बिनेशन बन के आ गए, कि 120 तरीकों से हम यहां पर बॉल्स निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर अलग अलग निकालने की। देखिए यहां पर हमारे पास वाइट बॉल है 7, तो 7 वाइट बॉल है और हम एक एक करके निकाल रहे हैं, मतलब 7 में से अगर मैं एक का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो क्या आएगा भाई, 7 बॉल हैं, एक करके निकाल रहा हूं, 7 तरीके निकलेंगे। और मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है कि जब भी नीचे 1 हो तो ऊपर वाला नंबर ही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ब्लैक वाली बॉल्स की बात करूं तो 9 बॉल्स हैं और वो भी हम एक एक करके निकाल रहे, क्योंकि एक ही बॉल निकलेगी एक बार में, तो इसलिए मैंने नीचे 1 रखा। अब यहां पर भी नीचे 1 है तो यही हमारा आंसर होगा। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, नीचे हम रखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब जितने भी हमारा टोटल रिजल्ट हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। टोटल हमने निकाल रखा ये रहा, टोटल हमारे पास इतने आउटकम, मतलब इतने तरीकों से हम बॉल्स को निकाल सकते हैं। अब ऊपर हम रखते हैं फेवरेबल आउटकम, मतलब पॉसिबल आउटकम, कितने तरीकों से हम निकाल सकते हैं। तो भाई 7 तरीकों से तो काली वाली निकलेगी और 9 तरीकों से हमारे पास कौन सी निकलेगी, सफ़ेद वाली। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, 7 तरीकों से निकलेगी हमारे पास सफ़ेद वाली और 9 तरीकों से निकलेगी हमारे पास काली वाली, लेकिन इनको मैं प्लस करूं क्या करूं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सवाल आपका गलत करवा सकती है, प्लस मत करना। यहां पर सवाल पे गौर कीजिए, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है और, ये दिखा दिया आप कोने में, ये लिखा हुआ है और। तो जब भी आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि भाई एक सफेद और दूसरी काली, एक सफेद और दूसरी काली, तो जब भी और वर्ड मिलेगा तो आपको उनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी उसको, उन दोनों की पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई के सेंस में आप लगाएंगे, ठीक है, एंड जो अगर सवालों में आपको मिल जाएगा या और मिलेगा हिंदी वाला, तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 7 निम्न 63/120 कटेगा तो काट देंगे, 3 दूनी 6 3 कम 3 3 चौक 12 तो 21/40 जो है इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये हमारा तरीका था कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए, ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए प्रोबेबिलिटी का आंसर तक पहुंचने की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक सवाल आइए और करते हैं, फिर और बढ़िया समझ में आएगा। दोस्तों एक सवाल और लिया है मैंने, थोड़ा सा और कठिन बना दिया, थोड़ा और लेवल इसका हाई कर दिया है, तो ये और सीख लो आप, मजा आएगा। इसके बाद आपको सिक्के वाला सिखाऊंगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक फुल फ्लेज बड़ी सी वीडियो दूं, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊं, जो हमारे ताश के पत्ते वाले जो कार्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं, कार्ड्स का सारा कॉन्सेप्ट सिखाकर उसके क्वेश्चन भी करवाऊं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे बता दें कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर फुल फ्लेज लंबी सी वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दूंगा, लेकिन कब दूंगा जब मुझे पता लगेगा। बताएंगे कैसे? आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? तो कमेंट करना ना भूलें। देखिए सवाल है यहां पर कि एक थैले में 3 लाल 5 पीली और 4 हरे रंग की गेंदे हैं, 3 गेंदे 6 मतलब रैंडमली निकाली जाती है, तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रोबेबिलिटी बताइए। यहां पर हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनके आपसे सवाल पूछे हैं। तो पहला है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन के गेंद भिन्न भिन्न रंगों के हों, मतलब डिफरेंट कलर्स की बॉल्स आए निकल के, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम नीचे बटे के नीचे वाला मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालेंगे, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। टोटल निकालेंगे कैसे? देखिए कैसे निकालेंगे। बॉल्स हमारे पास हैं 3 5 8 4 12, कितनी बॉल्स हो गई टोटल? 12 बॉल हैं। निकालनी कितनी है? 3 निकालनी। देखो ये लिखा हुआ है 3 गेंदें निकाली गई रैंडमली, तो 12 बॉलों में से कॉम्बिनेशन बनाना है 3 बॉलों का। अब मैं क्या करूँ सर? नीचे तो 3 आ गया। देखो बहुत आसान है, आपको मैंने सिखा रखा है। इसका मतलब क्या है? ऊपर लिखना है मुझे 12 फैक्टोरियल, नीचे लिखना है मुझे यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर माइनस करके 12 में से 3 जाएगा तो 9 फैक्टोरियल भी आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं? 12 12 11 10 9 करूँगा तो 9 के बाद की पूरी सीरीज, नीचे वाले 9 के बाद की पूरी सीरीज से कट जाएगी, वो मैंने कार्ड दी नहीं लिख रहा, ऐसे इसको सॉल्व कर रहा होता है। अब मैं इसको कर लूंगा तो 3 × 2 1 को लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में। ये हो जाएगा मेरा 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा मेरा 3 × 4 = 12, और ये हो जाएगा मेरा 4 × 5 = 20 की 11 से करूंगा तो 220, मतलब टोटल जो आउटकम है, टोटल जो पॉसिबिलिटीज है, वो 220 तरीके से निकाल सकते हैं बॉल्स को। अब निकालनी कौन कौन सी है? हमें ऐसे निकालनी कि गेंदें भिन्न भिन्न रंगों की हो, अलग अलग कलर्स की गेंदें हमें निकालनी है। तो देखो 3 हमारे पास है लाल वाली, एक एक निकलेगी क्योंकि तीनों अलग अलग कलर की जब निकल रही है, 3 ही बॉलें निकालनी है, 3 ही रंग है, तो मतलब हर रंग की 1 बॉल निकलेगी, जो भी तो अलग अलग निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्यारो ये हुआ कि क्या करूं, यही लिखता हूं कि 3 में से 1 निकलेगी, ठीक है? मतलब लाल में से भी 1 निकलेगी, तो इसका आपको पता ही कि जब नीचे 1 हो तो वही हमारा सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही पीली में से भी 1 निकलेगी तो 5C1 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे ही लाल जो हमारे पास, हरी जो है वो 4 है तो 4C1 का आंसर 4 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमें तीनों की यही वाले नंबर लिख देने ऊपर। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। क्या करना है आपको? नीचे आपको टोटल रखना है 220, ऊपर क्या करना है? ऊपर आपको क्या करना है कि 3 15 चौक 60, इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे। याद आया आपको और वाली बात, ठीक है? अब यहां पर आप कहेंगे सर और है कहां पर? भाई ये देखो ना, 3 लाल 5 पीली और 4 हरे रंग की गेंदे हैं, और अब हमसे क्या कह के तीनों जो है अलग अलग कलर की हो, एक साथ निकल रही है, अलग अलग कलर की निकल रही है, ठीक है? तीनों निकल रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? कटेगा तो काट देंगे, यहां पर ये कट जाएगा जो 2 3 6 और 2 कम 2 2 कम 2, तो 3/11 इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि अगर हम 11 बारी में, अगर हम 11 बार बॉल निकाल रहे हैं 3 3, तो चांसेस हैं कि 3 बार ऐसा हो कि तीनों जो है अलग अलग रंग की बॉल आ जाए, ठीक है? ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि ठीक 2 गेंदें हरे रंग की हो, मतलब 2 गेंदें हरे रंग की निकालनी है, हरे रंग की है, कितनी? टोटल 4 बॉल्स हैं, तो 4 में से 2 तो निकलेंगी ही निकलेंगी, जब नीचे 2 हो तो शॉर्ट ट्रिक आपको पता है, इसका हाफ करो और इसका 1 कम में से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हमारी निकलेंगी। लेकिन हम हर बारी में 3 बॉल निकाल रहे हैं, ये बात सोचने की है। जी हाँ, हम हर बारी में 3 बॉल निकाल रहे हैं, तो 2 तो ये निकल गई, अब बाकी की जो 1 निकलेगी वो किस में से निकलेगी? वो पीले और लाल में से मिलकर निकलेगी। ये सोचने वाली बात है, बच्चे यही नहीं करते, यही गलती हो जाती है उनकी।
हमसे कहा गया कि ठीक दो गेंदे हरे रंग की हो, भाई दो गेंदे हरे रंग की हमने निकाल ली, लेकिन हम तो तीन निकाल रहे हैं एक साथ, तो वो जो आप एक तीसरी बॉल जो एक अकेली बची वो जो निकलेगी वो पीली और लाल में से मिलकर निकलेगी, मतलब पांच और तीन आठ में से वो एक बॉल निकलेगी। ये छोटा सा छुपा हुआ कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, अब हमें पता चल गया इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, निकाल लेंगे, नीचे तो हमारा टोटल वही रहेगा भाई 220 चांसेस हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 6 8 48 कर देंगे, ये हमारा हो गया, कटेगा तो काट देंगे, 4 1 4 4 2 8 4 5 20 2 बचेगा 4 5 20 तो ये हमारा हो गया 22/55। ऐसे आपको ये कर लेना है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा देखिए, कोई भी गेंद पीले रंग का ना हो, कोई भी गेंद पीले रंग का ना हो इसका मतलब बाकी के दो रंग को उठा लो, तीन लाल उठा लो, चार ये उठा लो, तो कितनी हो गई 3 और 4 7 हो गई, तो 7C। और क्या करना है हमें, कोई भी गेंद पीले रंग की ना हो, मतलब तीनों के तीनों इन सात में से ही निकालनी है हमें, तो मतलब इसका ये करना है हमें। अब इसको आप खोलेंगे, आपको पता ही क्या करना है आपको, 7 × 6 × 5 और डिवाइडेड बाय 3 × 2। अब आप कहेंगे सर आगे क्यों नहीं बढ़ाया मैंने, भाई देखो इसके साथ फॉर्मूले में ये आता 7 − 3 = 4, तो उस 4 factorial से बाकी के मैंने सारे उड़ा दिए, बस ये रह गया मेरा 3 × 2 = 6, इससे ये कट जाएगा, 7 × 5 हमारे 35 हो जाएंगे, तो तीसरी हमारे तीसरे का आंसर आ जाएगा हमारा, नीचे हम रखेंगे 220 और ऊपर रखेंगे 35, कटेगा तो काट देना, आंसर लेके कमेंट करके मुझे बता देना। तो इस तरीके से अगर आपका मुश्किल सवाल भी बनेगा बॉल्स निकालने वाला, तो आप करेंगे जो ट्रिक मैंने सिखाई है वही ट्रिक लगाई है मैंने, कुछ बाहर से कुछ नया तो नहीं बताया आपको, तो बड़े बड़े सवाल भी आप इस ट्रिक को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। दोस्तों इस ट्रिक की कमाल की बात यह है कि इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए आप कार्ड वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आज की वीडियो में कार्ड वाला सवाल नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि कार्ड वाले क्वेश्चंस के लिए आपको कार्ड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कितने टोटल कार्ड्स होते हैं, रेड वाले कितने हैं, ब्लैक वाले कितने हैं, डायमंड है, स्पेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही सवाल करने का मजा है। तो इसलिए सब कुछ आज की वीडियो में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें सारा कार्ड के बारे में बताऊं, डाइस के बारे में बताऊं और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे इशारा मिल जाए कि आप चाहते हैं ऐसा करना। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहां पर सवाल है कि जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कि दो सिक्के, अब कॉइन की बात है, ये तो बहुत आसान होते हैं कॉइन वाले, इसलिए इसको मैंने लास्ट में लिया है, दो सिक्के एक साथ उछाल दिए गए तो कम से कम एक हेड आए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं। देखो दो सिक्के उछाले गए, पहला तरीका यह होता है कि दोनों पे ही हेड हेड आ जाएगा, या दोनों पे ही टेल टेल आ जाएगा, या एक पर हेड आएगा एक पर टेल आएगा, या फिर एक पर टेल आएगा एक पर हेड आएगा, तो ये चार हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं कि जिनका हमें रिजल्ट आएगा जिनमें से। अब हमें क्या बताना है, तो टोटल जो होता है वो तो हमारा नीचे आता है टोटल पॉसिबिलिटीज, अब कम से कम एक हेड आए, अब कम से कम एक हेड कितने में, देखो एक हेड इसमें है, इसमें है, बस इसमें तो दो है, इसको लेंगे नहीं लेंगे बताइए मुझे, आप बताइए, इसको भी लेंगे, क्यों लेंगे, कम से कम एक तो होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो जाएं उससे मतलब नहीं है, 3 हो जाएं 10 हो जाएं 1 करोड़ हो जाएं, लेकिन कम से कम एक हो, तो एक तो इसमें है, एक इसमें है, कम से कम एक इसमें, एक इसमें, मतलब 3 ऐसे चांसेस हैं इसमें कम से कम एक हेड है, तो तीन ऊपर रख देंगे, आ गया आपका आंसर। तो कॉइन वाले ये तुम्हारे कौन से हैं, ये सिक्के वाले कॉइन वाले, ये तो बहुत आसान होते हैं, बस आपको देखने हैं भाई टोटल पॉसिबल आउटकम कितने। मान लो यहां पर ना दो कॉइन नहीं होते, 3 कॉइन होते, तो फिर क्या करते आप, तो 3 कॉइन जब होते हैं, जब टोटल पॉसिबल आउटकम आपके निकलते हैं 8, कितने बनते हैं, फिर 8 बनते हैं, अभी 4 बने ना, फिर 8 बनते हैं। इसको निकालने का तरीका भी बहुत सिंपल है भाई, देखो अगर एक कॉइन होगा तो कितने पॉसिबल आउटकम बनेंगे, सिर्फ दो ही बनेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो जब एक कॉइन है तो कितने बने आपके, 2 बने, जब कॉइन 2 हो जाएंगे तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, जब कॉइन 3 हो जाएंगे तो कितने बनेंगे आपके, 8 बनेंगे। तो इस तरीके से ये सीरीज आपकी चलती है, यहाँ पर ये आपको मैंने बताना चाहा, तो अगर 3 आ जाएंगे तो फिर आप 8 रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो ये मेरी कोशिश थी कि मैं आपको समझा सकूं। अब आपके लिए होमवर्क भी दूंगा मैं, तो ये आपका होमवर्क आ गया है, इसको करें, इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, नीचे कमेंट करके आंसर करें, मैं कमेंट खुद पढ़ता हूँ,
हूँ, चेक करूंगा, लाइक दूंगा आपको, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फुल फ्लेज वीडियो चाहिए उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप अपनी मैथ इंप्रूव करना चाहते हैं, इसलिए आपको करना पड़ेगा। बेल आइकन जरूर दबा दें, बेल आइकन दबाएंगे जब भी आपको वीडियो आने का पता लगेगा। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डियर सर को, और ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।